दोस्तों देख सकते हैं हम इसका मेजरमेंट ले रहे हैं डाइनिंग टेबल का, और यहाँ से हम मार्किंग का निशान ले लिया है जो साइड कटिंग होगा, और उसके बाद हम गोने की मदद से निशान लगा लेंगे। गोने की मदद से क्या होगा, सीधे निशान निकल जाएंगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम सारे जितने हमारे लकड़ी है सारे लेके हम निशान उतार लेंगे उतार लिए भी। तो अभी निशान निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, अब अलग अलग से हम सारी लकड़ी का निशान उतार के बड़ा साइज लेंगे, जो बड़ा साइज है हमारा जैसे पहले लेता वैसे ही सेम निशान निकालेंगे हम। निशान उतारने के बाद में बराबर साइज ले लिया हमने, और ये हमने 17 नंबर का अपना फाइल से हम सार करके निशान मार देंगे, जो कि सबको मालूम होता है, नहीं मालूम होता है तो ये बना सकते हो आप भी। तो देख सकते हैं आप, ये हमने कटिंग को मार दिया, फ्रंट साइड से मारना है जो बाहर हमारी साइड आती है, तो उससे मारने के बाद उसको आ रही है। ताकि जो नए भाई हमारे मिस्त्री होते हैं उनको समझ आ जाए। तो मेरा हमारा दिखाने का मतलब यही है, तो अच्छे से काम कर देना और अच्छे से काम सीख लेना। तो ये हमें ज्वाइंट अच्छे से मिला लेना है आरे की मदद से, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा मिल गया, देख सकते हैं आप पूरा कैसे मिल गया। तो हम इसको हम सारे पीस ला के यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमें इसको ये सेट करना है फेविकोल लगा के। अब हम फेविकोल लगा दे रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये फेविकोल लगा दिया। फेविकोल लगाने के बाद वो क्या करेंगे, फिर दूसरी मदद से हम अपना काम करेंगे। ये होगी सेट, और दोस्तों ये बराबर फिक्स हो गया, फिर बिना फेविकोल के काम नहीं करना है हमें। ये देख सकते हैं आप, फेविकोल अच्छे से लगाना है, बिना फेविकोल के काम नहीं करना बिल्कुल भी। भाई ये जो भी भाई हमसे काम कराते हैं वो एक भरोसे के ऊपर काम कराते हैं, तो उनका हमें अच्छे से काम करना चाहिए। देख सकते हैं आप, ये हमारा सेट हो गया, एक सेट दूसरा और हो गया। अब इसको हम लगा देंगे, फिक्स कर देंगे छोटे वाले पीस साइड के लगा के, हम उनको साइड खुर्जी बोलते हैं। आप बराबर हमारा सेट हो गया भाइयों, तो पूरी वीडियो देखते रहिए ताकि पूरी वीडियो देख कर समझ आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको उठा के फेविकोल लगा के पूरा पूरा, अब हम ये देखते हैं आप दोस्तों, अब हमारा साइड का पीस एक वीडियो में लास्ट हो गया।
ये लग गया देख सकते हो, और इसे भी अब सेट कर लेंगे। ये हो गया, होने के बाद हम दूसरा वाला पीस इसके ऊपर रख देंगे, और ये हमारा पूरा फिक्स हो गया। अब हम चोट मार के इसे जाम कर देंगे, तो बराबर सेट हो गया देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों हम इसमें कील नहीं मारेंगे, गुज्जे मारेंगे लकड़ी के बना के, और वो भी थोड़ा सा पेपर मशीन करके, सीधी स्ट्रेट मशीन नहीं चलाएंगे। उससे क्या होता है, जो अपना बाद में ज्वाइंट मुंह खोल देता है वो नहीं खोलेगा। और हम क्या करेंगे, फेमिकोल लगा के ही लगाएंगे वो भी। ये हमने 6 mm का बिट लिया है और गिट्टी बना ली, और जहाँ पर हमने सुराख करा है वहाँ पर भी फेमिकोल लगाना है, और गिट्टी पर भी हमें फेमिकोल लगा के ही लगाना है, ताकि वो सूखने के बाद या फिर ज्वाइंट ना खुल पाए, बहुत अच्छे से लाइफ टाइम दे। तो देख सकते हैं दोस्तों फेविकोल की मदद से हम पूरा ऐसे अंदर दे देंगे, और ने स्ट्रेट नहीं लगाया, थोड़ा सा तिरछा करके लगाया ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। देख सकते आप कितना स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं हम। ये बड़ा वीडियो बना है लेकिन आपको बहुत अच्छे से सिखाने देगी वीडियो, बहुत कुछ सिखाने वाली है। अगर एक वीडियो में दोस्तों एक पॉइंट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अब हम इसका बीच से एंटर कर ले रहे हैं, बीच में सपोर्ट डालने के लिए। तो अब हम इसका बीच से एंटर करने के बाद बीच में सपोर्ट डाल रहे हैं 3-4। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाइनिंग टेबल बनने वाला है। ये हमने निशान उतार लिए पूरे, ये हमने अलपत्ती की मदद से देख सकते दोस्तों पीछे से कीला नहीं मारा, फिर वो पॉलिश में चमकता है ज़्यादा। और ये हमने एलपत्ती की वजह से पूरा इसे जाम कर दिया फेमिकोल लगा के, ये देख सकते हो आप। और हमने इसके कॉर्नर में भी एलपत्ती लगाई है 1 inch का, और बीच में हमने खांचा मार के स्ट्रेट पट्टी डाल दी एक और, ये देख सकते हैं फुली स्ट्रॉन्ग काम हो रहा है। आप ये सोचोगे क्या होने वाला है इस पर, तो दोस्तों कभी भी ना टूटने वाला काम हो रहा है ये देखो दोस्तों। और इसके ऊपर हम प्लाई डाल देंगे मेजरमेंट लेके, फेमिकोल लगा दे रहे हैं अब, फेमिकोल लगा के हम इसके ऊपर स्ट्रेट प्लाई लगा देंगे। और प्लाई भी हमारे पास बच के 6 mm का फ्लेक्सिबल बच के है, वो हम यूज़ कर ले रहे हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया पहले ही दोस्तों। भाइयों ये हमारी फ्लेक्सिबल प्लाई है एक्चुअली, इसे यूज़ करने के लिए हमने ये काम किया है। और ये हमारे पास वेस्ट पड़ा था वैसे ही, अब यूज़ तो कैसे भी करना है ना, सामान वेस्ट नहीं जाना। और ये हो गई देखो एक प्लाई, फिर इसके ऊपर फेमिकोल लगाएंगे हम। ये लगा दिया हमने कीले ऊपर, 2-4 कील लगा देंगे, उसके बाद हम फेमिकोल लगाएंगे इसके ऊपर। ये देख सकते हैं आप चारों तरफ 2-2 कीले मार दिया। थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा दोस्तों, नाराज मत होना, तो आपको पूरा वीडियो प्रोसेस बता रहे हैं हम। ये फेमिकोल घेर दिया, उसके ऊपर लगा दे एक और प्लाई लगा डाल देंगे जो हमारा है, 3 प्लाई है हमारे पास ही हैं। ये लगा दिया हम डिकोलम की तरह ही, फिर इसके ऊपर हम कीले मार देंगे, फिर इसी तरह तीसरी प्लाई भी टेक देंगे हम। ये देख सकते दोस्तों तो हमारी फाइनल हो गई, फाइनल होगी हमारी। और इसके ऊपर हम ग्राइंडर मार रहे हैं ताकि लेवल एकदम आ जाए। इसके ऊपर डिको पेंट होने वाला है बाद में, तो डिको पेंट में थोड़ा भी डिफरेंस या फिर डबिंग या फिर खड़दलापन नहीं चलता, तो पेपर मशीन से हम पूरा फिनिशिंग कर दे रहे हैं इसका। ये हो गया पेपर मशीन से फिनिशिंग हमारा फाइनल। अब हम आपको दिखाएंगे इसका पूरा अच्छे से शार्पिंग ख़त्म करने का काम। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप हमारा पूरा काम ग्राइंडर का इसमें चल रहा है, चारों तरफ साइड से अच्छे से काम कर ले। और ये काम करने के बाद में हम आपको दिखाएंगे इसकी स्ट्रॉन्ग, ये देख सकते हैं आप कितनी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, खड़े होकर दिखाएंगे इसके ऊपर। और ये डाइनिंग टेबल में डिजाइन काम पूरा हम अपना आप किया है, दुकान से या मशीन से नहीं बनाया, बराबर फ्लेक्स में जो डिजाइन बनाया है। और ये देख सकते हैं अब हम इसके ऊपर खड़ा होगा,
खड़े होने के बाद में इसका खूब स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में खूब अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन गई डाइनिंग टेबल। ये देख सकते हैं आप, ये देखो थोड़ा भी लचक नहीं आ रहा। अब तो साइड में 1.5 इंची की पट्टी मार के ऊपर तीनों फ्लेक्सिबल प्लाई लगा के हमने स्ट्रॉन्ग काम कर दिया। तो हमें खुशी होगी आपको ये वीडियो दिखाकर, और आपको भी ये बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें वीडियो को।